हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप G20 के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या आप पैराग्राफ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल जो है G20 के बारे में दी गई है। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये भारत सरकार के द्वारा ही जारी की गई है इंफॉर्मेशन, तो आप इसको यूज़ करके ना काफ़ी जो है नॉलेज भी ले सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना सकते हैं। या अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो इसकी हेल्प लेकर बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसके बारे में जानना चाहते थे और उनको इसके ऊपर प्रोजेक्ट वगैरह प्रिपेयर करना है, पैराग्राफ बनाना है, तो वो इसको देख कर आइडिया ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं बिल्कुल धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, ठीक है, और इसकी हेल्प लेकर बहुत सुंदर अपना काम पूरा कर सकते हैं। और एक बात और कहूँगा, ये हिंदी मीडियम में है और अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो मैं कमेंट में इंग्लिश मीडियम में भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर में भी कुछ पूछा गया है ताकि आप इसके आंसर, जैसे कई बच्चे प्रोजेक्ट में क्वेश्चन आंसर के रूप में करते हैं ना, तो उसकी हेल्प लेकर इसकी और इन क्वेश्चन की हेल्प लेकर आराम से प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और एक और, ये जो साइट है इस पर जाकर आप क्विज भी खेल सकते हैं और इसकी वहाँ पर और आपको नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया भारत सरकार द्वारा ही जारी किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।